चलो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा जुड़ गए हैं। आदित्य, बिहार की राजनीति की चर्चा हर जगह की जाती है, लेकिन जिस चीज की कोई भूमिका नहीं है, रामचरितमानस को लेकर इस तरह का विवादित बयान देना, रामचरितमानस जिसे लोग घर घर में रखकर पूजा करते हैं उसको जहर बता देना, आखिर क्या समझे, किस मानसिकता को दिखाना चाहते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर? देखिए, मुझे लगातार प्रोफेसर चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान देते रहे हैं। पहले भी वो रामचरितमानस को लेकर के विवादित बयान देते, और अब जिस तरीके से सनातन और रामचरितमानस को उन्होंने साइनाइड से तुलना किया है, उसके बाद से सियासत भी हो रही है। और आप बोली हैं कि वो किस तरीके की राजनीति है, तो ये राजनीति रामचरितमानस पर जो जिस तरीके से वो दे रहे हैं वो उनकी राजनीति में फिट बैठती है, क्योंकि वो जहाँ से चुनाव जीत के आते हैं उसमें जिनका उनका जो वोट का जो समीकरण है वो उस अनुसार अपना बयान देते हैं। और यही कारण है कि रामचरितमानस को टारगेट करते हुए अपने वोट बैंक पर को साधने की का कोशिश करते हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर। उसको लेकर के कई बार जो महागठबंधन के जो अन्य घटक दल हैं, चाहे वो जदयू हो, कांग्रेस हो या वाम दल हो, उनसे इत्तेफाक नहीं रखती है। राजनीतिक बयानबाजी जब शुरू होती है और जब सवाल उठाने लगता है बीजेपी, उसके बाद से जदयू हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो उससे पल्ला झाड़ लेती है। और आज भी यही हो रहा है। रामचरितमानस पर जिस तरीके से और सनातन पर जिस तरीके से उन्होंने फिर से सवाल उठाए हैं, उसके बाद से लगातार बिहार में सियासत हो रही है। और बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि जब से INDIA का गठबंधन हुआ है और जो मुंबई की बैठक हुई है, उसके बाद लगातार इस तरीके से सनातन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, तो ये तय पहले से हो गया है। बीजेपी का यही कहना है कि मुंबई की बैठक में ही ये तय हुआ था कि सनातन पर सवाल उठाया जाए, ताकि वोटों का जो एक वर्ग का जो ध्रुवीकरण है उनके पक्ष में हो सके। तो अभी सियासत शुरू हुई है और बीजेपी लगातार हमलावर है। वैसे अभी तक जदयू और अन्य जो महागठबंधन घटक दल हैं उस पर वो बैकफुट पर है, क्योंकि लगातार चंद्रशेखर जिस तरीके से बयानबाजी करते आ रहे हैं, बीजेपी के पीच पर जाकर के यदि आप मैच खेलिएगा तो बीजेपी आपको बहुत जल्दी हाथ नहीं लगने वाली है। और जिस तरीके से सनातन और सभ्यता संस्कृति या रामचरितमानस पर प्रोफेसर चंद्रशेखर बयान दे रहे हैं, तो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल रहा है, और इसी बहाने नीतीश कुमार को और महागठबंधन की सरकार को वो घेरने का प्रयास कर रही है। और आज भी जिस तरीके से कल हिंदी दिवस के अवसर पर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो बयान दिया था, उसके सरकार के जो घटक दल हैं वो बैकफुट पर हैं, कोई खुल के कुछ बोलने का साहस नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यदि इस पर वो और भी कुछ विवाद बढ़ता है तो इसका सीधा राजनीतिक लाभ बीजेपी को होगा। बिल्कुल, देखिए, और चुनाव क्योंकि काफी नजदीक है और इस तरह की बार बार बयान देना, आदित्य आपको वो भी याद होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सुधाकर सिंह लगातार बयान दे रहे थे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई थी, लेकिन चंद्रशेखर बार बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी सनातनियों को लेकर, लेकिन बावजूद इसके आखिर उन पर RJD कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है, ताकि उन्हें भी अगली बार से बयान देने से पहले यह समझना हो कि आखिर किस तरह की बयान बाजी वो मीडिया के सामने करें, क्योंकि हर एक चीज के सामने पहले रिप्रेजेंट वो पार्टी को करते हैं। देखिए पूजा, प्रोफेसर चंद्रशेखर में और सुधाकर सिंह में बहुत अंतर है, क्योंकि प्रोफेसर चंद्रशेखर जो हैं, एक तो जो RJD का जो परंपरागत माई समीकरण है उस समीकरण में फुट फिट बैठते हैं, और एक तो उनका वो बीजेपी यही कह रही है कि सवर्ण वोटरों सवर्ण नेताओं के ऊपर कार्रवाई हुई, चाहे वो कार्तिक सिंह हो या सुधाकर सिंह हो, उन पर तो कार्रवाई कर दी जाती है, लेकिन जो मुस्लिम और यादव जो करूंगी आपकी तरफ, लेकिन हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी जुड़ गए हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी धन्यवाद। जी मनीष जी, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का ये बयान अब तक तो आपने सुन ही लिया होगा, जिसमें उन्होंने रामचरितमानस की तुलना जहर से कर दी है, क्या कहेंगे इस बयान को लेकर, बार बार इस तरह की बयानबाजी की जाती है? देखिए, ये मुंबई की जो बैठक हुई थी INDIA के वालों की, उसमें जो एजेंडा तय हुआ था उसी एजेंडे को ये लोग एक्चुअली आगे बढ़ा रहे हैं, तो नई बात या आश्चर्य की बात नहीं है। इन लोगों का एजेंडा ही यही है, आने वाले समय में ये विकास पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि 2012 से 14 के बीच में महंगाई दर कितनी ज्यादा थी, वो उस विषय पर बात नहीं कर सकते। 14 के पहले के जो देश के हालात थे वो उनको पता है कि अगर विकास की बात करेंगे तो ये जो है बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए इन लोगों ने सीधा सीधी एजेंडा तैयार कर रखा है कि ये सनातन धर्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और सनातन विरोधी जो वोट है उसको एकजुट करेंगे, ये इनके प्रायोरिटी में है।
वैसे भी चंद्रशेखर जब से शिक्षा मंत्री बने वो शिक्षा मंत्री कम और इन सब मामलों पर बहुत ज्यादा उनका बयान आ चुका है। बिहार का दुर्भाग्य है, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षकों की और स्कूल की जो हालत है वो पूरी तरीके से अपर मुख्य सचिव के हवाले कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री का तो पता ही नहीं चलता कि हाँ शिक्षा विभाग में भी उनकी कोई रुचि है। मनीष जी देखिए, जब रामचरितमानस की हम बात करते हैं, क्योंकि जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, वो बहुत खूब जानते होंगे कि आखिर क्या महत्व है रामचरितमानस का, तो क्या इस तरह की बयानबाजी करने से, इस तरह के बयान देने से कोई फायदा होता है क्या? जो बार बार इस तरह की बयानबाजी करते हैं चंद्रशेखर, मना करने के बाद भी इतना विवाद होता है उसके बावजूद भी। देखिए फायदा कुछ ना कुछ तो उनको दिख रहा है तभी कर रहे हैं। बिना फायदे का इस प्रकार का बेतुका बयान देने का, क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर के घर में रामचरितमानस नहीं होगा या उनके माताजी, उनके पिताजी रामचरितमानस का पाठ नहीं करते होंगे। बिल्कुल मुझे पता है कि वो जिस क्षेत्र में आते हैं उस क्षेत्र में बहुत यज्ञ होता है, रामचरित पाठ होता है, चौपारा कथा होता है और हिंदू और सनातन में वहाँ के लोगों को बहुत भरोसा है। लेकिन ये सब एक एजेंडा के तहत जो मुंबई में तय हुआ है उस एजेंडे के तहत प्रहार हो रहा है। आपने देखा होगा पहले किस प्रकार से स्टालिन के परिवार वालों ने और उसके बाद अन्य लोगों ने प्रहार किया और अब फिर से दोबारा बिहार में जातीय हिंसा, वर्ग हिंसा कैसे फैले इस पर एक कुचक्कर चलाया जा रहा है और सनातन को कैसे अपमानित किया जाए इसकी एक होड़ मची है। और खास करके मैं आपको एक बड़ा गंभीर आरोप लगाता हूं, एक बड़ी साजिश है, क्योंकि INDI वाले आने वाले समय में सीटों का बंटवारा करना चाहते हैं तो इनमें भी होड़ लगी है कि एंटी सनातन जो वोट है वो सबसे ज्यादा यूनाइट होकर किसके तरफ जा रहा है, अच्छा किसके तरफ जाएगा। तो जितना ये लोग सनातन को गाली देंगे उतना ज्यादा इनको लगता है कि एंटी सनातन जो वोट है वो इनके पक्ष में यूनाइट होगा। जैसे बिहार में राजद है, JDU है और अन्य वामपंथी दल है, तीन लोगों में कांग्रेस, तीन लोगों में भी आपस में होड़ मची है कि हमारे तरफ ज्यादा कि तुम्हारे तरफ ज्यादा। अच्छा इसमें सनातन पिछड़ा है, लेकिन एक बात मैं कह दूं कि ये मिटने और मिटाने की बात जो है कि वो मिटाते रहे लेकिन जितना वो मिटाने का प्रयास किए सनातन को, सनातन उतना ही फलता फूलता गया। ठीक है मनीष जी, अब देखना होगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है RJD की तरफ से। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारे संवाददाता आदित्य झा को रुक कर लेते हैं। आदित्य देखिए, आप जिन फैक्टर्स की बात कर रहे थे, लेकिन ऐसे में समझना चाहूंगी कि क्या MY फैक्टर को साधने के लिए, जातीय समीकरण को साधने के लिए इस तरह से सनातनियों को बातें कहना, इस तरह की चीजें उनके रामचरितमानस को लेकर कहना, क्या पार्टी के लिए ये आने वाले चुनाव में फायदेमंद होगा? क्योंकि मुझे तो लगता है इससे आने वाले समय में नुकसान ही होगा। एक फैक्टर को साधने के लिए आप दूसरा तरीका भी ढूंढ सकते हैं। किसी के आस्था को इस तरह ठेस पहुंचाकर मुझे लगता नहीं किसी पार्टी को फायदा होगा। देखिए प्रोफेसर चंद्रशेखर जब शिक्षा मंत्री बने थे तो आपको याद होगा उन्होंने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया था। उसके बाद बिहार में सियासत शुरू हो गई थी, बिहार ही नहीं पूरे देश में सियासत शुरू हो गई थी और RJD का मौन समर्थन उनको मिला था। कोई भी बड़े नेता उनके बारे में टिप्पणी नहीं किए, चाहे उनकी भर्त्सना नहीं किए, सिर्फ ये बताया गया कि उनका निजी बयान ये हो सकता है। BJP के सहित सहयोगी गठबंधन के जो JDU के घटक दल जो उनके हैं, उनके भी नेता ने उन पर आरोप लगाया था कि इस तरीके का बयान दे करके आप गठबंधन की मजबूती को कमजोरी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सिर्फ इसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कहीं ना कहीं तो RJD के जो मुखिया हैं, चाहे तेजस्वी यादव हों या लालू प्रसाद यादव, उनकी कोई ना कोई तो मजबूरी है, क्योंकि मधेपुरा इलाके से वो आते हैं, लगातार कई बार विधायक रह चुके हैं और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं और अभी भी वो लगातार पहले बयान के बाद वो लगातार अपने बयान पर कायम रहे, चाहे वो नफरत फैलाने वाला ग्रंथ हो, उसके बाद भी आपको याद होगा कि पैगंबर मोहम्मद साहब को उन्होंने मर्यादा आदित्य की कब तक RJD इस तरह से मौन धारण करती है, आखिर कब तक इस तरह से बयानबाजी प्रोफेसर चंद्रशेखर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।